हेलो। चलिए बेटा जी, कल प्रताप मुजफ्फरपुर भागलपुर के बच्चे आकर मैसेज पढ़ लीजिएगा। वो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे, सर प्लीज सर लाइव क्लास बंद मत कीजिएगा सर, नहीं तो सर हम 100-200 बच्चे सर आप पर डिपेंडेंट हैं सर, प्लीज सर। हमने सर आश्वासन दिया आपको लाइव क्लास बिल्कुल नहीं बंद होगा। लाइव क्लास यहाँ भी ऑप्टिक्स में लाइव क्लास चलेगा, कल से चलेगा ऑप्टिक्स भी लाइव क्लास चलेगा। हम आपसे कोई लेना देना नहीं मेरे बच्चे, हमारा काम केवल पढ़ाना बेटा जी। ये आप देखिए मैसेज देखिएगा, आकर दिखाऊंगा आपको कैसे रिक्वेस्ट कर रहा है सर। प्लीज सर लास्ट में धोखा मत दीजिए सर, आपका पूरा क्लास किए हैं सर। सर लास्ट में सर ऑप्टिक्स भी हमें पढ़ा दिए, पूरे कोचिंग क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं सर, भरोसा कर रहा है सर। तो हम इसलिए यार क्यों बंद करूंगा यार, हर काम पैसे कमाने के लिए नहीं होते मेरे भाई, खास एजुकेशन में, खास एजुकेशन में जो चीज हमारे बर्थडे से फ्री निकल रहा है, तो हम उसे क्यों चाहो यार। ना कोई को कॉस्ट देना पड़ रहा है, ना कुछ देना पड़ रहा है, तो क्यों यार। हर समय पैसे की चीज बातें नहीं होती है। हाँ हल्के हर समय अपने टीचर अपना सम्मान देखना चाहता है यार, कि हम अपने सम्मान बच्चों के पीछे जहां भी रहे ना, तो सम्मान एंड गर्व के साथ खड़ा हो जाए कि नहीं ये मेरे बच्चे हैं यार। तो बेटा हर चीज यही चाहिए, बट पैसे वैसे तो आज है कल भी कमाएंगे परसों भी कमाते रहेंगे बेटा जी, लेकिन तुम्हें लास्ट बार देख रहा हूँ। एक महीना के बाद बेटा जी सिर्फ और सिर्फ नमस्कार करने के लिए मिलोगे, कभी रास्ते में मिलोगे तो मिलोगे, उसमें पढ़ाई के बारे में नहीं पूछोगे हमसे कि सर हाँ देखें सर ये क्वेश्चन नहीं बनाया सर बता दीजिए, है ना। ऑफिशियली 20 दिन और बचा है बेटा, हमसे पढ़ ले कम से कम, बात मान हमसे पढ़ ले ढंग से, पढ़ाऊंगा मन से पढ़ाऊंगा, चिंता ना कर। चलो शुरू करते हैं, आ जा। तो बेटा कल हमने एसी करंट का पावर एक्सप्लेन किया था कि पावर ऑफ एसी करंट। अब पावर ऑफ एसी करंट एक्सप्लेन करते समय हमने 45 मिनट में एक फार्मूला को प्रूफ किया था जो पड़ा हुआ है। क्या वो फार्मूला आपको याद है ना, वो क्या पावर बराबर क्या ERMS इनटू कॉस फाई। बड़ा मुश्किल से हमने कल निकाल पाया था, बड़ा मेहनत कर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ याद है या ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पावर का फॉर्मूला यही आ गया है, जहां इसका मतलब है आरएमएस वोल्टेज, इसका मतलब है आरएमएस करंट, और इसका मतलब है कॉस फाई, जिसको हम लोग कहते हैं पावर, जिसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर, जिसको कहते हैं पावर फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं शक्ति 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 गुणांक। अब जरा देखिए ना, हमारे पास 6 सर्किट है, तो 6 वो सर्किट का अपना अपना पावर होगा। आर सर्किट का अलग, एल सर्किट का अलग, सी सर्किट का अलग, एल सी आर का अलग, सी आर का अलग, और एल आर का अलग। और इंटर जाइए, किसी एक या दो का पावर निकालना ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, जब आप प्री बोर्ड देने गए थे ना, तो क्वेश्चन आया था एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक निम्न में कौन सा है, 4 ऑप्शन था, और आपने टिक कर गलत करके आए थे। तो आज हम लोग सब कुछ देख लेंगे, अंडरस्टैंड है मेरे बच्चे, मेरा साथ देना, आ जाओ। तो हेडिंग लगा लो, पावर ऑफ एसी सर्किट, पावर ऑफ एसी सर्किट्स। प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति, चलिए प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति, पावर ऑफ एसी सर्किट्स, प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर सर्किट, पावर ऑफ आर सर्किट, आर सर्किट आर परिपथ, हल्ला ना करो, आर सर्किट आर परिपथ है, आ जाओ मेरा साथ देना। एक ही बार सबको समझा देता हूं, उसको लिख लेना बेटा। तुम्हारे सामने कभी हमने एक ग्राफ बनाया था, याद करो आपका ग्राफ इस तरह था,
यहां पर हमने आर को रिप्रेजेंट किया था, यहां पर हमने आपको याद है ना एक्सी को रिप्रेजेंट किया था, और यहां पर हमने एक्स एल को रिप्रेजेंट किया था। यानी कहने का मतलब है यहां पर रजिस्टर होता है, यहां पर कैपेसिटर होता है, और यहां पर इंडक्टर होता है। तो अब यहां पर देखो, अगर रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में जो वोल्टेज होता है वो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा इंटू टी होता है, और रजिस्टर में जो करंट होता है वो I बराबर I नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी होता है। क्या कोई दिक्कत है किसी को? बताओ, कैपेसिटर के अंदर जो करंट होता है वो I बराबर I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू होता है। और अब तुम बताओ, इंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो I बराबर I नॉट इंटू साइन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू होता है। देख लो, इसका मतलब कह सकता हूं मेरे बच्चे, इसका जो फेज डिफरेंस है फाई है वो पाई बाय टू है, और इसका जो फेज डिफरेंस है फाई है वो माइनस पाई बाय टू है। हाँ या ना मेरे बच्चे? अब चल चल, सारे सर्किट का पावर एक बार कैलकुलेट करना, अब तू ही कैलकुलेट करना, हम कुछ नहीं करेंगे, सारे सर्किट का पावर कैलकुलेट कर लेंगे, पहला आर का, फिर सी का, फिर एल का। अब बताओ, पावर का फॉर्मूला होता है पी बराबर ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो पी बराबर, अब बताओ, ई आर एम एस रहने दे, आई आर एम एस भी रहने दे, कॉस फाई। अब बताओ बताओ तुम बताओ तुम बताओ कौन से सर्किट का पावर निकालना चाहते हो? बोले कोई बोल रहे सी सर्किट का, तो सी सी सी, चल सी यहां पर है। अब बताओ, इसका फेज डिफरेंस फाई का मान कितना है? पाई बाय टू है, तो यहां पर रख दे कॉस पाई बाय टू, जिसका मतलब पी बराबर, बताओ यह और यह, कॉस पाई बाय टू का मान जीरो, क्या पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर देगा? जीरो। तो बता दे कि सी सर्किट का जो पावर है, पावर पावर सी सर्किट का जो पावर है उसका मान कितना हो गया? जीरो। अब तू बताओ किसका पावर निकालना चाहते हो? एल का। अगर तुम एल का पावर निकालना चाहते हो तो बता दो, तो पी बराबर ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस, बोल बोल रहे, अब कॉन्फिडेंस से बोल भाई, माइनस पाई बाय टू, बताओ कॉस पाई बाय टू का मान कितना होता है? जीरो। जिसका मतलब है इसका भी पावर जीरो आ गया। अब तेरे पास कौन सा बच गया है? तो आर का पावर इंपॉर्टेंट होता है। देख तो आर का पावर सब कुछ वही है, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तब पूरा क्लास का बच्चा बोल देगा आर सर्किट में फाई का मान कितना? क्या जीरो होता है ना? क्यों देखो तुम, ओमेगा टी दोनों के बीच फाई का मान कितना है? जीरो। तो इसका मतलब है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान कितना? वन। तो इसका मतलब है ई आर एम एस इंटू क्या है? आई आर एम एस। यहाँ तो कोई परेशानी बच्चा को एवे नहीं करेगा, मेन परेशानी आएगा एल आर में, सी आर में और एल सी आर में। तो प्रकाश का बच्चा बोल, तो तीन परिपथ है, बता दे इसका पावर का मान कितना आ गया? ई आर एम एस इंटू क्या आ गया? इसका पावर कितना आ गया? और इसका पावर कितना हो गया? जीरो। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो पहले लिखो और उसके बाद बताते क्या करना। जो लिखेगा सबसे पहला आर सर्किट, तो सबको पता है कि आर सर्किट में ई बराबर होता है ई नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी, और यहां पर I बराबर होता है I नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। अब बताओ, अपने बच्चों से पूछना चाहता हूं, फाई का मान यहां हो गया जीरो डिग्री। तो अब बताओ पावर, पावर बराबर I आर एम एस ई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो I आर एम एस इंटू ई आर एम एस कॉस फाई, कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो का मान तो सबको बंद है, पता है आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस गुना वन। देख रहा मतलब है हमेशा के लिए
ये फंडा आपको याद होना चाहिए कि पावर निकल गया है आर सर्किट का। और हमारा अगर बच्चा अच्छा है ना तो चाहे तो अपने मन से सबका पावर निकाल सकता है। पहले समीकरण लिख लेगा, चल बेटा जी। दूसरा है एल सर्किट। तो सारा बच्चा लिखेगा अपने मन से, जितना कर सकता अपने मन से करो ना, डरो नहीं, समझा चुका हूं। एल सर्किट, पहले क्या करो, एल सर्किट का वोल्टेज का समीकरण लिखो, फिर एल सर्किट में करंट का समीकरण लिखो, फिर तुम्हें फाई का मान निकल जाएगा। फाई का मतलब फेज डिफरेंस होता है, फाई का मान फेज डिफरेंस होता है, फाई फेज डिफरेंस होता है। चलो बेटा सेकेंड, एल सर्किट, एल परिपथ है। तो यहां पर मेरे बच्चों समीकरण तुम्हारा हो गया ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, और यहां पर देखो आई बराबर आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, डांटो नहीं, हम ही इंसान हैं, आगे पीछे हो जाता है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब पावर, तो पावर बराबर, कल ही फॉर्मूला प्रूफ किया हूं, आई आरएमएस ई आरएमएस इंटू कॉस फाई, आई आरएमएस ई आरएमएस कॉस माइनस पाई बाय टू। और हमारे बच्चों को अच्छी तरह पता है कॉस माइनस पाई बाय टू का मान क्या आने जा रहा होगा, जीरो। तो इसका मतलब है आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस, इसका मतलब है पावर बराबर ई आर एम एस और आई आर एम एस। आप तो ये तो बवंडर मिस्टेक हो गया, ये तो बिना माफी देने वाला मिस्टेक हो गया यार। अब इसको तो अरे कहीं माइंड में आओ, कहीं भटक रहा है बेटा जी, थोड़ा स्टाफ को लग गया ना डंडा, तो इसलिए बार बार चला जा रहा है मेरा दिमाग, वहीं पर बार बार चला जा रहा है बेटा। जब गुस्से आते हैं बेटा जी, जब चलिए सी सर्किट्स लगाइए, सी सर्किट्स, सी सर्किट्स लगाइए। नमी से तुम परीक्षा में याद रखिएगा, आएगा तो आएगा, दो नंबर भी ऑब्जेक्टिव में, यह सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। सी सर्किट्स तीसरा है, सी सर्किट्स अगर सी परिपथ की बात करें मेरे बच्चे, तो सीधे यहां पर समीकरण है E बराबर E नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी, और I बराबर है I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी अब प्लस पाई बाय टू। तो स्पष्ट दिख रहा है यहां पर फाई का मान बेहिचक, अब हमारे बच्चों को पता है फाई का मान पाई बाय टू, इसका मतलब है पावर बराबर I आरएमएस ई आर एम एस कॉस फाई। तो यहां पर पावर का फॉर्मूला आ गया मेरे बच्चे जीरो। तो इतना पढ़ने से आपको एक फायदा ये हो रहा है बेटा जी कि यहां से क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या है वो लिख दीजिए पहले, यहां से एक थ्योरी बन जाती है
यहां से क्वेश्चन बन जाता है, फिर तो आप लिख ले। अगर आपने लिख दिया होगा तो इतना से क्वेश्चन बनता है, वाटलेस करंट क्या होता है? कितना बार चाहे बिहार बोर्ड का या सीबीसी बोर्ड का हो लिखा जाता है, वाटलेस करंट क्या होता है समझाइए दो नंबर। तो चलिए लगे हेडिंग वाटलेस करंट, राइट नो हेडिंग वाट लेस करंट, वाट लेस करंट वाट हीन धारा, वाट हीन धारा, ये सब वो छिपा हुआ क्वेश्चन है जो बोर्ड वाले पूछते रहते हैं। तो आप इसको भीवीआई जरूर लगाइएगा, भीवीआई। चलो पहले समझाते हैं तभी राइट कीजिएगा आप। वाटलेस करंट, बेटा बातें नहीं करो, वाटलेस करंट, वाटलेस करंट या देखिएगा वाट हीन धारा, आइए समझिएगा, पहला क्लास का बच्चा समझेगा क्या है वाट हीन धारा। समझो पहले बेटा, जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है आप उसे थोड़ा सा टच करके देखिए। लीजिए ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, हमने इसको टच करके देखा, कभी मौका मिला देखिएगा, आगे और पीछे दोनों से एक गर्म है, हीटेड है। ये पंखा भी चल नहीं रहा है, जब चले तो टच करके देखिएगा तो गर्म होगा। एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एवन तक कुछ भी जो भी बिजनेस चलता है टच करके देखे वो गर्म होगा, कम या बेस ज्यादा गर्म होगा। अगर आपको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है तो आपके घर में एक कपड़ा आयरन करने वाला होता है, उसे कम से कम 1 मिनट या 30 सेकंड तक छोड़ करके और अच्छे जगह पर सटा लें तो वो आपको गर्मी का बिल्कुल एहसास दिला देगा और उसमें तो बिल्कुल कोई संशय ही नहीं रहेगा कि भैया हाँ गर्म नहीं लगा था। अंडरस्टैंड बेटा जी? तो चलो वो कोई बात है, लेकिन हाँ उसको उचित जगह पर ही लगाएंगे, जहां तहां नहीं लगाएंगे। तो देखिएगा तो इसका मतलब है क्या, देखिएगा तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बाहर आता है, सर व्हाट इज द गर्मी? ये कुछ नहीं है, फिजिक्स में इसी गर्मी को, इसी हीट को पावर के नाम से जाना जाता है, पावर शक्ति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शक्ति का परिभाषा है कोई भी उपकरण 1 सेकेंड में यानी घड़ी के 1 सेकेंड में जितना भी ऊष्मा पैदा करता है, जितना भी गर्मी पैदा करता है उसी को पावर कहते हैं। हाँ है ना मेरे बच्चे? मतलब पावर, पावर का मतलब गर्मी, गर्मी मतलब पावर। जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर गर्म है तो समझ जाना वो पावर की वजह से गर्म है। हाँ में किसकी वजह से गर्म है? पावर की वजह से। तो अब देखिएगा मेरा साथ दीजिएगा आप लोग, आपके पास 3 सर्किट है बेटा, हल्ला नहीं करो बेटा। अब ईमानदारी से आप बताएंगे, हमारे बच्चा ईमानदारी से बताएगा, ईमानदारी से बताएगा, ईमानदारी से बताएगा, बताओ नहीं इसका जो पावर है, हाँ या ना, इसका पावर, इसका पावर। तो अब तुम बताओ जिसका पावर अगर 0 है तो क्या कभी वो ऊष्मा ऊर्जा पैदा कर सकता है क्या? क्योंकि पावर का मतलब होता है इकाई समय में उत्पन्न होने वाले एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो अब बताओ अगर इसका पावर 0 है तो क्या ये ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा पैदा कर सकता है क्या? अगर इसका पावर 0 है तो क्या ये ऊष्मा ऊर्जा पैदा कर सकता है क्या? क्योंकि पावर का मान कितना है? 0। लेकिन बताओ क्या यह ऊष्मा ऊर्जा पैदा कर सकता है? हाँ, क्योंकि इसका पावर 0 नहीं है, इसका पावर कितना है? IRMS इनटू क्या है? ERMS। तब परिभाषा लीजिएगा, वह उपकरण जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पत्ति नहीं करता है, ऐसे ही सर्किट को ही कहा जाता है वाटलेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटलेस। अगर कहा जाए एग्जाम्पल देके समझाओ तो हम कहा एग्जाम्पल देंगे रे, एग्जाम्पल तेरे सामने है, एल सर्किट और सी सर्किट, आर ना कर फिर दो, एल सर्किट एंड सी सर्किट को कहा जाता है वाटलेस सर्किट।
इंटर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। निम्न में कौन सा सर्किट वाटलेस है, ये पूछा गया, कितना बार पूछा गया है। अब बचवा परीक्षा में तो कसम से बेटा, बचवा परीक्षा तो पत्तियां चले यार, कह रहे पहलिए सब चीज बा, ये होबा कुछ सेवा। तो कम से कम तुम्हें बेटा जी यहाँ पे एक उचित तरीके से पढ़ाया गया, इस पढ़ाई को कभी मिस मत करना मेरे बच्चे, याद रखना कि कैसे तुम्हारे कोर्स को किस तरह कंप्लीट किया गया था, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करके, अंडरस्टैंड बेटा जी। बेटा जी तो बताओ, अब एग्जांपल कोई देने की जरूरत नहीं है, याद हो गया है एल सर्किट और क्या क्या आर सर्किट कभी बाटलेस हो सकता है क्या, क्योंकि इसका पावर क्या है, क्या इसका पावर कभी जीरो हो सकता है क्या, जब पावर जीरो हो बिन करेगा तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ मात्रा में गर्मी पैदा करेगा। हार बिन वर्षा जी, अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, जवाब देना तभी आगे लिखाऊंगा। पूछा गया था कि एक एलसीआर सर्किट है, देखता हूं, एक एलसीआर सर्किट है और हमें आपसे जवाब चाहिए। अब एलसीआर सर्किट को हम ले आए मार्केट से, जैसे मैं टीवी का रिमोट ले आए, टीवी का रिमोट एलसीआर सर्किट का एग्जांपल है, टीवी का रिमोट ले आए और चैनल बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, बा बचवा एकदम गेम खेल रहे हैं, दख 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 गेम खेल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो गर्म हो गया। तो तू ईमानदारी से बताना, वो जो गर्म हुआ है वो आर की वजह से कि एल के वजह से कि सी की वजह से? सिर्फ आर की वजह से गर्म हुआ है, क्योंकि ये उष्मा नहीं पैदा कर सकता है, ए उष्मा पैदा नहीं कर सकता है, उष्मा केवल पैदा करते हैं, तो आर पैदा करता है यानी रजिस्टर पैदा करता है। याद रखना, जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर गर्म हो रहा है तो समझ जाना कि 100% वो आर के वजह से गर्म हो रहा होगा। और अच्छी बात बताऊं, अब तक ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है जो गर्म नहीं होता है, इसका मतलब कह सकता हूं कि बिना प्रतिरोध का कोई भी डिवाइस बनाया नहीं जा सकता है, हर डिवाइस में प्रतिरोध होगा, इसी वजह से हर डिवाइस गर्म होता है कम या ज्यादा। पता है तोर हीटर में कैपेसिटर नहीं होता है, तोर हीटर में इंडक्टर नहीं होता है, कौन हीटर में खाना अरमा में ओकरा में शुद्ध रूप से ई होता है, इसलिए गर्मा दे हो तोरा, अंडरस्टैंड बेटा जी, शुद्ध रूप से ई होता है, खाली रजिस्टर होता है, बाकी इसमें इसमें आई देखिए ना, मेरे पास अगर होता ना तो तुम्हें दिखाता कि बहुत सारा सर्किट होता है उसमें ई भी होता है, ई भी होता है, सब होता है ना। तो चलिए तब अपने लिखते हैं तब हम बात करते हैं आगे, आइएगा। द सर्किट, द Which does not ये बेटा बातें नहीं, थर्मल एनर्जी सच such circuit is called wattless and ye beta baat hai ne and such current is called wattless current kya hamara koi bachcha bata sakta hai l circuit L सर्किट एंड एंड C सर्किट आर वाटलेस, आर वाटलेस, ठीक बेटा लिखिएगा। हिंदी लिखिएगा, आर वाटलेस। देखिएगा हिंदी, वह परिपथ
वह परिपथ जो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, वह परिपथ जो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता है, उसे वाटहीन विद्युत परिपथ कहते हैं। उसे वाटहीन विद्युत परिपथ कहते हैं। उसे वाटहीन विद्युत परिपथ कहते हैं। एल परिपथ एल परिपथ सी परिपथ वाटहीन परिपथ है। एल परिपथ सी परिपथ है वाटहीन परिपथ होता है। वाटहीन परिपथ होता है क्योंकि यह उष्मा ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि यह उष्मा ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है। हो गया बेटा, यहां पर इतना डायग्राम बना लीजिए। नोट, ओनली रजिस्टर, ओनली रजिस्टर प्रोड्यूसेस थर्मल एनर्जी। केवल प्रतिरोध ऊष्मा ऊर्जा पैदा करता है। केवल प्रतिरोध ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। देखो, तो एक टॉपिक छोड़ा जाता है उसको अंदर वाटलेस पूछिएगा। वाटलेस क्या होता है? वाटलेस मतलब नो पावर, नो थर्मल एनर्जी, नो गर्मी है ना। ये लगा के इससे कोई गर्मी पैदा नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई सर्किट है ये नहीं है जो गर्मी पैदा ना करे। कम बेस सब करता है, वो किसके वजह से? केवल आर के वजह से, रजिस्टर के वजह से। अंडरस्टैंड बेटा? चलिए अब हमारा बच्चा तैयार हो जाए। अभी तीन परिपथ और बच रहा है। अभी मोर कह रहे हैं जी, अजीब वो गरीब है, मोर कह रहे हैं भाई। कल से ऑपरेशन शुरू करो, इतना थोड़ा पढ़ाऊंगा कैसे काम चलेगा। कल से आज रखिएगा, 6 से 7 हम लाइव क्लास शुरू कर दूंगा, जब होगा पढ़ लेना। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल है, यूट्यूब पर ओपन रहेगा और ओपन करना है और लाइव क्लास पढ़ लेना बेटा। परीक्षा तक हम आपसे जुड़े रहेंगे, बस किसी भी हालत में आपका बेस्ट पेपर हमें फिजिक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बेटा जी। ये हो गया, बस उसके बाद चले जाएंगे, बस गंगा नहाने चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे, फिर नया सेशन शुरू करेंगे। चिंता नहीं करो, राजगीरों में अब गंगा जी आ गए, नहा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अपना बिहार बदल गया यार, बहुत बदलाव हुआ बिहार में। बिहार की तरक्की देखें, बहुत खुश है यार, बहुत। चलेगा, देखिएगा, चलो बेटा। पावर फैक्टर ऑफ हाइब्रिड सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ हाइब्रिड सर्किट, लास्ट पढ़ ले, लास्ट खत्म हो जाएगा। पावर फैक्टर ऑफ हाइब्रिड सर्किट पूछा गया है बहुत बार। पावर फैक्टर ऑफ हाइब्रिड सर्किट यानी शक्ति, ये बेटा शांत हो जाओ, शक्ति गुणांक।
चलो बच्चा, जो बहुत फेमस है, जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है एल आर सर्किट का, लिखिएगा एल आर परिपथ है, पावर फैक्टर ऑफ एल आर परिपथ है, पावर पावर ये बेटा पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट है, पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट है, पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट है, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक, बस सब कैलकुलेट कर दो बाकी सब हो जाएगा, एल आर परिपथ का, परिपथ का शक्ति गुणांक है। चलो मेरा साथ देना। अच्छा बताओ बेटा, शक्ति गुणांक को क्या कॉस फाई कहते कि नहीं कहते हैं? बोला हाँ या ना, बोला हाँ या ना रे, देखो तो खा तो झूठ बोल, ऐसे मत बोल रहे, इधर देख, आई आर एम एस, ई आर एम एस, गर्ल्स बेटा यहां पर क्या लिखते हैं? इसमें न जोश नहीं दिख रहा है, ये क्या है रे? कॉस फाई को क्या नाम दिया गया है? पावर फैक्टर। तो अगर हम हमसे पूछा गया एल आर परिपथ का पावर फैक्टर निकालो, मतलब किसका मान निकालो? कॉस फाई का मान निकालो, तो क्या हमारा बच्चा कॉस फाई के मान निकालो तो कैसे निकलेगा? एक निकाल देते हैं, बाकी आराम से दूसरा तुम यहां पर निकाल के हमें दिखाते रहना, अंडरस्टैंड है? देखिएगा, ये तुम्हें पढ़ा हुआ है, खैर तुम्हें बताना है, एल आर परिपथ है, ईमानदारी से बताइयो, हाँ या ना? इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाय टू, हाँ या ना? तो बताओ, क्या कभी हमने जेड का मान, जेड का मान, क्या कभी हमने जेड का मान आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, इसमें तो कंजूसी नहीं है बेटा, ये पहाड़ को आर स्क्वायर प्लस, तो अब बताओ, तो जेड बराबर क्या इसको हम आर स्क्वायर प्लस क्या लिखो बेटा? ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ, तुम्हें ये भी याद होगा, हमने कहा था कि जो जेड होता है इन दोनों के बीच में होता है, और जितना ये नीचे आता है क्या उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते कि नहीं करते हैं? तो ईमानदारी से बताना, टैन फाई का जो फॉर्मूला था वो क्या था? बता दे, एक्स एल बटा आर, टैन फाई का फॉर्मूला एक्स एल बटा आर है, एक्सएल बटा आर, कोई दिक्कत नहीं हो, एक्सएल बटा आर, हमरा निकालना हो कॉस फाई, कॉस फाई, अरे इधर देख रहे कि निकालना हो कॉस फाई, तो बता दे, तो तुरा अगर कॉस फाई का मान निकालना हो तो ईमानदारी से बता, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है? तो बता दे, तो आधार 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 कर्ण 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 जेड, एकरा मतलब है आर बटा जेड, हाँ हाँ हाँ, तो बच्चे मान लियो, बड़ा कष्ट हुआ है बचवा करे, बड़ा कष्ट पहुंचाए बचवा को, इतना समीकरण पढ़ाते पढ़ाते अब हमारा एकदम दिमाग खिस गया है। तो बता दे, कॉस फाई, कॉस फाई बता दे, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक पूछा गया है, जब जाके चिपका देना ऑब्जेक्टिव में, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक, तो कॉस फाई बराबर कितना? आर बटा अंडर रूट, अरे ओमेगा स्क्वायर इंटू, तो इस हिसाब से अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सी आर सर्किट है। मुझवारी बोल तो आप तो मुझवारी निकल बेन कर तो तुरा मुहा से, अरे बोल बकवा, ये तो जो हम लिख ले वही बोल रही है, तो ऊ बोली तुरंत तो पूछ लिए है, बताए मुझवानी कॉस फाइव बराबर
कमान जी मन में आवन ना सब बिजी रहा है ये की बोलना है पता नहीं लेकिन सब बिजी रहा उपस्थिति सब दर्ज करा रहा हूँ हम भी बोला लियो अरे हम भी बोल दलियो अरे कभी ये देखिए बोलने को चाहिए तो बराबर आर बटा अंडर रूट क्या हो गया कौन से परिपथ का अच्छा बताए तो इसी तरीके से अगर हम LCR के पास पहुंच जाएं तो अब कोई पूछे इसका cos phi का मान बताएं तो यहां पर भी R बटा Z तो cos phi बराबर गर्ल्स बेटा R तो वही रह जाएगा हाँ या ना तो इस प्रकार क्या हम किसी का भी निकाल सकते हैं मेरे बच्चे तो चलो अब लिख लो अब लिख करके इस पॉइंट को क्लियरेंस करो ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए हम तो यही कहूंगा बेटा जी आप लोग यहीं आइए ऑप्टिक्स कल से हम लाइव शुरू कर दूंगा ये 100% शुरू कर दूंगा कल से ऑप्टिक्स लेकिन पूरी रिक्वेस्ट करूंगा बेटा जी आप लोग यहीं आए बेटा जी यहाँ के पढ़ाई या लाइव क्लास पढ़ाई में डिफरेंस आता है बेटा जी आप यहाँ रहेंगे तो आप यहीं आइए जो बच्चा नहीं आना चाहता तो मना भी नहीं करेंगे बेटा जी आप घर पर पढ़ो लेकिन बेटा जी थोड़ा सा आपको चेहरा देखते रहते हैं तो थोड़ा सही लगता है और क्या नहीं बस हो गया चलिए क्या आगे बढ़ जाऊं LCR यहां LCR सर्किट लिखिएगा
कल से आपका फ्रेश एक कॉपी लेकर आना, जो भी जैसे आप बनाते हो, कल से हम आपके शुरू कर दूंगा। कल सबसे पहले पढ़ाऊंगा व्हाट इज अ लाइट, लाइट क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें आपका ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगा आपका। Thank you.